बिना विधानसभा चुनाव लड़े अमित मित्रा को ममता बनर्जी ने बंगाल का वित्त मंत्री तो बना दिया, लेकिन अब ममता बनर्जी के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अमित मित्रा ने साफ कह दिया है कि ना तो वो अब वित्त मंत्री बने रहना चाहते हैं और ना ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। अमित मित्रा के इस बयान के बाद ममता बनर्जी को अब राज्य के लिए एक अदद वित्त मंत्री की तलाश करनी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री के तौर पर करीब 10 साल तक काम करने के बाद अमित मित्रा ने अपने करीबी लोगों को बता दिया कि वह अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वह अपनी बेटी के साथ विदेश में कुछ समय बिताना चाहते हैं। गंभीर रूप से बीमार मित्रा ने विधानसभा में बजट भी पेश नहीं किया और सत्र के बाद वर्चुअली मीडिया से बातचीत की। हालांकि मित्रा ने कहा कि मैं अपने खराब स्वास्थ्य के कारण विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन वित्त मंत्री के रूप में बने रहे। उम्मीद की जा रही थी कि वह उत्तर 24 परगना के खरदा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ेंगे। नियमों के अनुसार अमित 6 महीने तक वित्त मंत्री के रूप में बने रह सकते हैं, लेकिन उस अवधि के भीतर मित्रा को निर्वाचित होना होगा। अब अगर वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य के लिए एक और वित्त मंत्री की तलाश करनी होगी। पार्टी के सूत्रों ने संकेत दिया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्यक्तिगत रूप से मित्रा को मनाने की कोशिश करेंगी ताकि वह राज्य के वित्त मंत्री के रूप में बने रह सके। यदि यह संभव नहीं हो पाया तो उन्हें राज्य के वित्त सलाहकार के रूप में रहने के लिए कहा जाएगा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राज्य में केवल 2 विभाग हैं जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले 10 सालों में कोई बदलाव नहीं किया है, एक अमित मित्रा की ओर से संचालित वित्त और दूसरा अनुभवी सुब्रत मुखर्जी का पंचायत विभाग। यह उनके अपार विश्वास की 2 खाता है। उन्होंने कहा कि मित्रा का मंत्रालय छोड़ना पार्टी और राज्य के लिए एक बड़ी क्षति का कारण होगा। जब उन्हें 10 साल पहले कार्यभार संभाला था तब पश्चिम बंगाल कर्ज में डूबा हुआ था। उन्होंने न केवल अकेले ही राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का प्रबंधन किया, साथ ही उन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राजस्व पैदा किया। अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि इनके अलावा केंद्र की ओर से GST लागू करने में मित्रा की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने न केवल राज्य में SGST को सफलतापूर्वक लागू किया बल्कि वित्तीय समस्याओं को सुलझाने के लिए केंद्र के साथ अथक बातचीत भी की। ममता बनर्जी ने कई कारणों से मित्रा पर अपना विश्वास रखा और एक बार यह सोचा गया था कि उन्हें प्रस्तावित विधान परिषद या विधानसभा के उच्च सदन में नामित किया जाएगा, लेकिन प्रस्ताव को अभी राज्य विधायी निकाय की ओर से अप्रूव किया गया है। लेकिन केंद्र सरकार से अनबन की वजह से विधान परिषद का गठन हो पाना मुमकिन नहीं लगता। मित्रा से खरदा से चुनाव लड़ने का अनुरोध किया गया जहां सीट खाली है, क्योंकि तृणमूल की काजल सिन्हा ने चुनाव जीता लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले उनकी कोविड से मृत्यु हो गई। एक अन्य नेता ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि उन्हें एक बार रैली में उपस्थित होना होगा और बाकी चीजों का ध्यान पार्टी की ओर से रखा जाएगा। शुरू में वह सहमत हुए लेकिन महामारी की स्थिति और उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए मित्रा ने राजनीति से दूर रहने का फैसला किया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की राय है कि मुख्यमंत्री की ओर से विभाग को अपने पास रखने की संभावना है, लेकिन यह चुनाव में उनकी जीत पर भी निर्भर करता है। स्थिति जो भी हो, राज्य ने पहले से ही एक टीम तैयार करना शुरू कर दिया है जो राज्य के दिन प्रतिदिन के वित्त को संभालेगी। सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री एक ऐसे मंच के बारे में भी सोच रही हैं जहां वरिष्ठ अर्थशास्त्री राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी राय देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।